जय हिंद। अब बताते हैं लौह स्तंभ के बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली में खड़ा लौह स्तंभ वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है। इस लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा 98% है। ये स्तंभ 1600 साल से भी ज़्यादा पुराने व खुले आसमान में खड़ा है और इसे आज तक एक इंच भी जंग नहीं लगा है। लौह स्तंभ के पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी छुपी हुई है कि जिसे इतिहासकार काफ़ी समय से खोज कर रहे हैं। यह स्तंभ 90% काले लोहे से बना है और 100 वर्ष से अपनी जगह पर खड़ा है। 14 ईस्वी में बने इस स्तंभ को भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इसे गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय स्मृति में बनाया था। यह स्तंभ मूल रूप से मध्य प्रदेश में स्थापित। यह स्तंभ को वर्तमान स्थान तक लाने का रहस्य अभी तक। इस स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर है और यह भूमि में 93 सेंटीमीटर नीचे दबा हुआ है। इसका व्यास शिखर पर 29 सेंटीमीटर है, जो कि बढ़ता हुआ आधार तक 42 सेंटीमीटर हो जाता है। इस स्तंभ में